जन अधिकार पार्टी लोक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय मोतिहारी दौरे पर आज शहर के दरोगा टोला निवासी मृतक सिपाही सहनी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से भी बातचीत की। सत्ता में थे और जो लोग सत्ता में आए जो नया बिहार की कल्पना कर उनको कहिए कि पहले मोतिहारी को अकेले सुधार स्मगलर मुक्त गन्ना क्राइम मुक्त जमीन माफिया मुक्त शराब माफिया मुक्त ड्रग्स माफिया मुक्त ये जितने माफिया हैं इनसे पहले कहिए कि वो हमको लड़के दिखा दे एक नाम लेके दिखा दे। उन्होंने केंद्र और बिहार की सरकार पर तंज कसा। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का सिस्टम ताकतवर दलालों के हाथों बिक चुकी है। गरीब जनता को न्याय देने के बजाय घटनाओं को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहां प्रशासन बड़े नेताओं और माफियाओं का सुनता है, गरीब की आंसू कौन पूछता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कई बातों का जिक्र किया। निषाद के प्रमुख में वही हुआ, पूर्व प्रमुख में यही हुआ, क्रिमिनल दिल्ली से लाए गए, मेरा नाम दिया हुआ था, मैंने नाम दिया था पदाधिकारी को और वो जेल से वसूली करता और फिर दो दो हत्या, रक्त रंजीत रक्त चरित, हिम्मत है नेताओं को तो पहले एक काम करो ना, मिलकर के माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ो। गिरिराज सिंह जी पर 420 से लेकर के 8 केस हैं या नहीं, जिस मिश्रा होम मिनिस्टर का बेटा किसान पर गाड़ी चढ़ा दिया उस पर 9 मर्डर केस हैं या नहीं। जब आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ थे तो ठीक, बबलू सिंह बीजेपी के साथ थे तो ठीक और आनंद मोहन जी उधर चले गए तो बेठी मारे बा, आनंद सिंह नाश करवाते थे तो ठीक और आनंद सिंह आज उधर है तो बेठीक। ये सब मतलब बीजेपी में जो गया गंगा स्नान कर लिया और जो बीजेपी से नहीं निकला वो जमुना स्नान कर लिया।